Rohit, thank you very much. Hello and a very warm welcome. You are Inside Bollywood with Rohit Roy. Dosto, Zeenat Aman, Sushmita Sen, Aishwarya Rai Bachchan, Priyanka Chopra, Lara Datta, and now Tanushi Datta and Koena Mitra. What do all of them have in common? Can you guess? Bhai, ye sab kisi na kisi beauty pageant ko jeet kar hi Bollywood tak pahunchi hai. Haan, pahunch to gayi hai, lekin Bollywood ki ye dagar itni aasan nahi hai. Life is definitely not easy here. क्योंकि जब दो लड़कियां सेम बैकग्राउंड से सेम काम करने के लिए बॉलीवुड में पहुंचती है देयर इज यूजुअली इंटेंस राइवलरी एंड फियर्स कंपटीशन आई मीन वन हियर्स ऑफ कैट फाइट्स एवरी डे विद इन द इंडस्ट्री चाहे वो यस्टरडेज में राखी जी और शर्मिला जी के बीच हो या आज की प्रियंका और लारा के बीच में हो खासकर तब जब दोनों ही एक्टर्स एक ही किस्म के रोल्स के लिए ट्राई कर रहे हो है ना और क्यों नहीं भाई आखिर बॉलीवुड में कॉम्पिटिशन है इतना कड़ा तो आज जहां एक और हीरोइंस चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही हॉट और सेक्सी सहेलियां मंजिल एक रास्ते एक लेकिन फिर भी हाथ में हाथ डाले जल रहे हैं सो पीपल विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स इनवाइट द यमी तनुषि दत्ता एंड द सिजलिंग कोयना मित्रा एंड हैप्पी एंड फ्लफी और अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि भाई ये हैप्पी और फ्लफी कौन है तो आपसे इनकी मुलाकात करवा देते हैं ये फ्लफी कौन है फ्लफी ये फ्लफी हैं ये है अच्छा और हैप्पी तो लग रही है कि बहुत हैप्पी हैं ये आपके बच्चे हैं या बिल्कुल और मैंने सुना हाँ मैंने सुना आपके पास पांच है सबसे छोटी है ये सबसे छोटी है तो आपके आपको बॉयफ्रेंड्स के लिए वक्त कैसे मिलता है नहीं है ना वक्त अच्छा नहीं है चुन लिया मैंने डॉग्स मतलब आप कंपैरिजन कर रही है बॉयफ्रेंड्स और कुत्तों का या दिस सो सवाल तो आपने पूछा है ये कमाल हो गया चलिए एक आपका सवाल पूछते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जब दो फीमेल एक्टर्स होती हैं और एक ही किस्म के रोल्स के लिए अटेम्प्ट कर रही होती हैं ट्राई कर रही होती हैं तो झगड़े और बहस के ज्यादा स्टोरी सुनने को मिलते हैं ये आप लोगों के बीच में इतनी अच्छी गहरी दोस्ती कैसे हो गई दो एक्ट्रेसेस जब मिलते हैं तो झगड़े ज्यादा होते हैं लेकिन हमारे केस में we never realized hum mile then we you know struck a good chord aur dosti ho gayi aur bahut gehri dosti ho gayi maine suna hai actually we never discuss work shayad isliye log bahut sare logo ne humse sawal kiya hai ki kya aap dono ne ek sath picture kiya isliye bonding hai ye bilkul galat sawal hai kyunki hum yahi padhte rehte hain ki jab aap do actresses ek sath picture karte hain to सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि पहले आप लोग थोड़ा सा आपके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था आप लोग बातचीत भी नहीं करते थे you couldn't stand each other? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हमारे कुछ तो हुआ था हमारे बीच में अभी तक वैसा कोई झगड़ा हुआ ही नहीं है पर क्योंकि हम दोस्त हैं हो सकता है कि कभी झगड़ा हो बट वो दोस्तों के आपस का मामला है और ये जो रूमर से आपके सूत्रों ने आपको गलत खबर दी है तो ये मित्रा जी के साथ आपकी मित्रता हुई कैसे व्हाट अ कॉर्नी लाइन मतलब आप लोगों के बीच में दोस्ती कैसे हुई शुरू शुरू में हमने कुछ एकाध शोज साथ में किए थे जिसमें वी लुक थ्रू ईच अदर टू मच एटीट्यूड वो तो फर्स्ट देखा ना ये हुआ था ना तुम्हारे सूत्र करेक्ट लेकिन वो सूत्र गलत इसलिए क्योंकि अनबन नहीं हुई थी वी जस्ट डिडंट बॉदर टू स्पीक टू ईच अदर क्योंकि जैसे कि इंडस्ट्री में एक एक पर्सोना होता है हर किसी का मेरा एक है उनका एक है तो हमने कभी बॉदर नहीं किया कि एक दूसरे के साथ बात करें पर एक then अचानक बातचीत हुई then we realized that you know we are just perfect for as friends for each other we have a lot in common and बातचीत बढ़ते बढ़ते मुलाकात and then you know we met each other families friendship so well भैया ऐसा बहुत कम होता है कि दो हीरोइंस के बीच में इतनी गहरी दोस्ती हो on that thought we'll take a break break के बाद यमी दत्ता और sizzling brownie मित्रा के साथ बातें जारी रहेगी stay with us